नमस्कार किसान भाइयों, जैसा कि यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर ये आलू की इंटरक्रॉप है जो कि यहाँ पर गन्ने में इसकी बुआई की गई है। और यहाँ पर देख सकते हैं जो कि यह 4 फीट की जगह में है, और यहाँ पर कटे हुए आलू का डिफरेंस, आइए हम आपको दिखाते हैं। यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर लगभग वही 1-1 फीट की जगह यहाँ पर बची हुई है, और यहाँ पर पत्तियाँ जो है गन्ने की, वो जो है आलू में भिड़ चुकी हैं यहाँ पर, तो ये डिफरेंस देख सकते हैं। और यहाँ पर इस आलू की जो लाख वगैरह है, यहाँ पर पौधे की हाइट वगैरह, ये भी देख सकते हैं कितनी ज़्यादा शानदार लाइनें यहाँ पर लग रही हैं। ये इतनी लाइनें जो हैं, ये समूची आलू की बुआई की गई इसमें, जो मीडियम साइज़ का आलू होता है। और आइए हम दिखाते हैं यहाँ पर आपको कटे हुए आलू की बुआई, इसमें हमने कराई थी। तो यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर ये लाइनें हैं जो इसमें आलू को काट कर उसकी बुआई की गई है। तो ये रहा इसका आलू का डिफरेंस, जो कि यहाँ पर देख सकते हैं आपके सामने है जस्ट। तो यहाँ पर देख सकते हैं किसान भाई, और इसके ऊपर जो है स्प्रे किया जा रहा है। यहाँ पर ये दूसरा स्प्रे है, आलू के ऊपर जिसमें हमने यूज़ में लिया हुआ है UPL कंपनी की साफ़ और बोरान, इसका प्रयोग हमने इसलिए किया है क्योंकि यहाँ पर काफ़ी मात्रा में ठंडी हो रही है, जिससे पौधों को पत्तियाँ जो है काफ़ी मात्रा में झुलस रही हैं इसलिए। और यहाँ पर किसान भाइयों, जो आलू के अंदर धब्बे हो जाते हैं उसके लिए हमने इसमें बोरान की कमी हो जाती है, जिस कारण वह धब्बे हो जाते हैं, और इसीलिए हमने इसमें बोरान और UPL कंपनी की साफ का स्प्रे जो है यहाँ पर किया जा रहा है, क्योंकि यहाँ पर आलू में अभी तक का सेकंड स्प्रे है यहाँ पर, जो देख सकते हैं यहाँ पर। और बस यही थी कुछ जानकारी। अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।